आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जेई मेंस का पेपर मई के लास्ट में मे भी हो सकता है, डेट अभी कंफर्म नहीं है। जैसा कि कोरोना वायरस की वजह से आप स्टेट होम, घर पे रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप लोग, हम आज आपको पढ़ाएंगे प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इट्स वेरी बच्चों, ठीक है ना, लगभग दो लेक्चर में मैं थियरी पढ़ाऊंगा और दो लेक्चर में मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा, ठीक है। तो आप पूरा देख लेना, आप पूरा आपको क्लियर हो जाएगा प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है ना, सारे न्यूमेरिकल कर लोगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, प्रोजेक्टाइल on inclined plane, ठीक है ना। तो जब भी प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइंड प्लेन की बात करोगे तो दो केस की बात करोगे। केस फर्स्ट में, ठीक है ना, अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड प्रोजेक्टाइल को इंक्लाइंड प्लेन से ऊपर फेंकेंगे, ठीक है ना। तो चलो बना लेते हैं यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन। दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे और ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे इधर कहीं, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ से हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे ऊपर की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो एक्सिस है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक्सिस इस टाइप से लूँगा, इसको मैं एक्स एक्सिस बोलूँगा और मैं इसको इस प्लेन के, इनक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर वाली जो लाइन है उसको मैं y एक्सिस बोलूँगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करता हूँ और ये जो है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है 0.0.0 है, वो यहाँ से प्रोजेक्शन हुआ है और पार्टिकल यहाँ लैंड किया है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ लैंडिंग है और यूँ प्रोजेक्टाइल हुआ है। ये एंगल मान लो इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू से प्रोजेक्शन हुआ और ये जो प्रोजेक्शन एंगल है इसको मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ इंक्लिनेशन और ये बीटा, ठीक है ना। अल्फ़ा क्या है, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है जो कि कांस्टेंट रहेगा और चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। इंक्लाइंड प्लेन उस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है, ठीक है, जिससे प्रोजेक्टाइल हो रहा है। बीटा क्या है, बीटा एक वेरिएबल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर बीटा एक वेरिएबल है, समझना इसको, अब यहाँ पे जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, जो इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन पे जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है तो वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है ना, जी इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, क्लियर है। तो अगर ये अल्फा है, ठीक है, तो मुझे जी के कंपोनेंट करना पड़ेगा अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग जी का कंपोनेंट कर दें। तो अगर जी का मैं कंपोनेंट कर दूं तो आई होप कि आपको कंपोनेंट करने आता होगा। ये अगर परपेंडिकुलर वाली लाइन है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर वाली लाइन है, तो अगर ये अल्फा है तो ये 90 है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल कितना हो गया अल्फा। तो जी का कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट आ गया, एक कंपोनेंट आ गया जी का, समझना इसको, एक कंपोनेंट आ गया जी का जी कॉस अल्फा, एक कंपोनेंट आ गया जी कॉस अल्फा और एक कंपोनेंट आ गया जी साइन अल्फा। अरे ये बात समझ में आया, जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रही थी, ठीक है, उसको मैंने दो कंपोनेंट किए, कौन कौन, एक इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर और एक इस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल, ठीक है ना। तो इस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल डाउनवर्ड आ रहा है और इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर जो है वो जी कॉस अल्फा है, जी कॉस अल्फा इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है, जी साइन अल्फा इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग है, ठीक है। तो चलो ये दो कंपोनेंट, अब इसको मैं यहां भी कर सकता हूं, इस चीज को मैं यहाँ भी कंपोनेंट कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट कर दूँ, तो एक मिनट इसको यहाँ पे कंपोनेंट करता हूँ। देखो ये वाली लाइन कौन सी है, एक्स एक्सिस वाली, ये वाई एक्सिस वाली
और ये वर्टिकल वाली लाइन है, ठीक है। तो जो G है वो इसी लाइन में लग रही है, जो G है वो इसी लाइन में वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है, समझना इसको, Z इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। अब ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ये एंगल पूरा 90 है, ठीक है ना, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, तो ये भी एंगल कितना हो गया अल्फा। तो G का एक कॉम्पोनेंट आ गया एलॉन्ग, ठीक है, G cos अल्फा, ठीक है, G cos अल्फा जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, और एक कॉम्पोनेंट इधर आ गया, ठीक है, जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, Z sin अल्फा। ये बात समझ में आ गया होगा आपको कि इंक्लाइंड प्लेन पे जो एक्सेलेरेशन लग रहा था वो दो कंपोनेंट हो चुके उसके। अब जो इनिशियल वेलोसिटी u थी उसके भी दो कंपोनेंट कर दो, तो जो u थी उसके दो कंपोनेंट कर देता हूँ, तो u का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा जिसका नाम रखूँ मैं u cos बीटा, और एक उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो u साइन बीटा, समझ रहे हो ना। तो जितने भी मतलब कंपोनेंट लग रहे थे, थोड़ा मतलब इसको मैं और अच्छे से आपको इलोबरेट करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो भी वेक्टर लग रहे थे वो कुछ ऐसे हो गए, अगर ये अपना इंक्लाइंड प्लेन है, समझना इसको, अगर ये इंक्लाइंड प्लेन है, दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, तो इस इंक्लाइंड प्लेन पर अगर पार्टिकल यहाँ है तो इस पर जो वेलोसिटी लग रही थी, एक वेलोसिटी इधर आ गई जो u cos बीटा है, ठीक है, अलोंग द x एक्सिस, और एक इसके परपेंडिकुलर आ गई जो u sin बीटा है, ठीक है, और जो एक्सेलेरेशन लग रहा था वो एक इधर आ गया जो g sin अल्फा है, और एक अलोंग इधर आ गया जो z cos अल्फा है, निगेटिव x एक्सिस। तो ये जो y एक्सिस है, ठीक है, ये पॉजिटिव आई है और ये निगेटिव आई है, और ये प्लस एक्स एक्सिस है, इधर प्लस एक्स लिया हूँ और इधर माइनस वाई लिया हूँ, ठीक है। तो जो भी एक्सेलेरेशन लग रहा था, ये अल्फा है, ठीक है, तो जो भी एक्सेलेरेशन लग रहा था वो, अब देखो जो एक्सेलेरेशन थी और वेलोसिटी थी वो सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग ही लग रहे हैं, ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग ये वेलोसिटी इधर जा रही है और x एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलेरेशन इधर आ रहा है, x एक्सिस के y एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी इधर जा रही है और y एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलेरेशन इधर आ रहा है। अगर इतनी सी बात समझ गए होगे तो तुम सभी कैलकुलेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, न्यूमेरिकल सब कुछ कर सकते हो, इसको ढंग से समझना। तो चलो अब इंटरेस्टिंग बातें हैं कि जो हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पढ़े थे जिसमें हॉरिजॉन्टल अल्फा जीरो हुआ करता था, उसमें एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलेरेशन ही नहीं रहा था। अगर अल्फा जीरो रखोगे तो साइन बीटा क्या हो गया, जीरो आ गया। तो ये वाली जो प्रोजेक्टाइल हम लोग पढ़े थे, ये वाली प्रोजेक्टाइल, ठीक है, यहाँ से प्रोजेक्शन किए थे जिसमें अल्फा की वैल्यू जीरो थी, ठीक है, इंक्लिनेशन नहीं था, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल था, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में अल्फा क्या था, जीरो था। तो एक्स एक्सिस में जो एक्सेलेरेशन था वो जीरो था, और जो एक्सेलेरेशन था वो सिर्फ वाई एक्सिस में था जिसकी वैल्यू जी थी। कुछ याद आ रहा? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला प्रोजेक्टाइल इसे थोड़ी अलग है यार, ये वाला प्रोजेक्टाइल इसे डिफरेंट है, इसमें एक्स एक्सिस में एक्सेलेरेशन आएगा और इसमें एक्स एक्सिस में एक्सेलेरेशन नहीं आ रहा था, इसमें एक्सेलेरेशन सिर्फ वाई एक्सिस में आ रहा, वर्टिकली आ रहा था, ठीक है, आ तो रहा इसमें भी वर्टिकली, बट हमने एक्सिस ऐसे ले लिए हैं कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये वाला कर दिया, ठीक है। अब चलो एक एक चीज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो एक एक चीज कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, लेट अस कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सबसे पहला जो कैलकुलेशन है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, कैपिटल टी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करते थे, याद करो वहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करते थे। ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लिनेशन है, और यहाँ से मैंने u प्रोजेक्ट कर दिया और इधर आ गया u cos बीटा और इधर आ गया u sin बीटा, ठीक है, और इधर एक कंपोनेंट आ गया g cos अल्फा और इधर कंपोनेंट आ गया g sin अल्फा, ठीक है।
तो ये जो जी ऐसे लग रही थी और वो यू से ऐसे प्रोजेक्ट हुआ था, और ये बीटा डिग्री था, ये अल्फा डिग्री था, और ये एक्स एक्सिस इधर लिया हूँ और वाई एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्लियर हो गया होगा। तो जब पार्टिकल यहाँ पर लैंड किया तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है एक्स आर कॉमा जीरो है, और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट था वो क्या था, ओ जीरो कॉमा जीरो था। क्लियर हो रहा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है ना, वो मैं एस इज इक्वल टू यू टी लगा देता हूँ वाई एक्सिस में, अप्लाई कर देता हूँ अप्लाइंग एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इन वाई एक्सिस। तो ये जो वाई एक्सिस है तो उसको मैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसको मैं वाई एक्सिस में लगा देता हूँ। तो चलो अगर मैं इसको वाई एक्सिस में लगाऊँ तो इसको अच्छे से देखो, वाई एक्सिस में अगर मैं लगाता हूँ तो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कितना, फाइनली जीरो। यहाँ पे पार्टिकल, जहाँ पे पार्टिकल लैंड किया है, समझना इसको, यहाँ पे पार्टिकल लैंड किया है, यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है, जीरो है। वाई एक्सिस ऐसे है, ठीक है, वाई एक्सिस ऐसे है, इस वाली एक्सिस में लगाओ, इस वाली एक्सिस में, ठीक है, इस वाली एक्सिस में लगाओ भाई, डिस्प्लेसमेंट फाइनली जीरो। यहाँ से लेके यहाँ से ओ से लेके ए तक जाने में जितना टाइम लगा होगा वही तो टाइम ऑफ फ्लाइट है भाई, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा वही तो टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो ये यहाँ जब यहाँ पर फाइनली लैंड की है तो यहाँ पर फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी देखो, वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यू साइन बीटा प्लस यू साइन बीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट टी लग गया। एक्सलेशन किधर लग रहा है, y एक्सिस में वर्टिकली इधर लग रहा है, माइनस हाफ z cos अल्फा टाइम ऑफ फ्लाइट t का स्क्वायर, समझना, इसको लगाया हूँ y में जो एक्सलेशन है, ये वाली लाइन y एक्सिस है यार, ये वाली लाइन कौन सी है, y एक्सिस है, और ये निगेटिव y हो गया, तो एक्सलेशन तो इधर है ना, g cos अल्फा, तो माइनस g cos अल्फा। अब लेटेस्ट कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट कर लो। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे, लेट अस इसको कैलकुलेट कर लो, तो कैलकुलेट कर लोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा टू यू साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, ठीक है ना, टू यू साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आपको आ गया। s इज इक्वल टू ut, अप्लाई द s इज इक्वल टू ut इन y एक्सिस, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर देखो, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो, अल्फा इज टाइम t डैश इज इक्वल टू टू यू साइन बीटा अपॉन g, जो कि पहले वाला फार्मूला मिल जा रहा है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना भाई, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये जो इंक्लिनेशन जीरो आ गया, अल्फा जीरो आ गया, ये वाला प्लेन ऐसे आ गया, ठीक है, तो ये वाला प्लेन अगर ऐसे आ गया तो अल्फा जीरो हो गया, तो टाइम ऑफ टू यू साइन बीटा अपन जी के बराबर आ गया, जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो आई होप कि टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता चल गया होगा कि जो पार्टिकल है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो पार्टिकल है उसको ओ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा वही टाइम ऑफ फ्लाइट है, और उसकी वैल्यू इतना है। आई होप कि आप इसको याद कर लोगे, ठीक है, तो अगर अब इसको याद कर लोगे तो आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल लगेगा। तो चलो, टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा निकालते हैं मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट, लेट अस कैलकुलेट सेकेंड वन, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एच, ठीक है। मैक्सिमम हाइट क्या है और कहाँ से मेजरमेंट करेंगे, तो ये हम लोग का इंक्लाइंड प्लेन है, दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। जब आप यहाँ से प्रोजेक्टाइल किए हो, यू से ऐसे प्रोजेक्ट किए हो बीटा डिग्री पे, तो पार्टिकल कुछ ऐसे गया है, ठीक है, और ये कितना है, अल्फा है। इसमें एक्सिस कैसी है, ये वाली जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये वाली जो एक्सिस है, दिस एक्सिस इज अगेन
एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स है, ठीक है। जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी लग रही थी, ये अल्फा है, तो जी के दो कंपोनेंट आ गए, जी कॉस अल्फा, और एक कंपोनेंट इधर आ गया जिसका नाम हो गया जी साइन अल्फा, ठीक है। और यहाँ से जो यू ऐसे है तो यू का एक कंपोनेंट इधर आ गया यू कॉस बीटा, और एक कंपोनेंट इधर आ गया जो यू साइन बीटा, ठीक है, क्लियर है ये। अब यहाँ से बेसिकली देखो मैक्सिमम हाइट क्या है उसको समझने की कोशिश करो। जो मैक्सिमम हाइट है वो यहाँ पे, ये यहाँ पे वेलोसिटी जो है, ये वाली जो हाइट है, दिस हाइट इज मैक्सिमम हाइट, इसकी वैल्यू हम लोग को निकालनी है, ठीक है ना। ये ओ था और ये ए है, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है हॉरिजेंटल हो गई होगी, ठीक है, समझ रहे हो। इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी, इस पॉइंट पे जो वाई एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है, तो इस वाले और इस पॉइंट बीच जो डिस्टेंस है ये वाली, वो मैक्सिमम हाइट है। तो इस मैक्सिमम हाइट की कैलकुलेशन कैसे करें, तो देखो वाई एक्सिस में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस लगा दो, किधर, इन वाई एक्सिस, इसको वाई एक्सिस में लगाओ भाई, वाई एक्सिस में लगाओ, ठीक है। तो इसको अगर वाई एक्सिस में लगाओगे तो वाई ऊपर, वाई इधर है, ठीक है, तो वाई इधर है तो ऊपर, तो फाइनल वेलोसिटी वाई एक्सिस में, फाइनल वेलोसिटी वाई एक्सिस में जीरो, इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में कितना है यू साइन बीटा, ठीक है, इनिशियल यू साइन बीटा, और एक्सलेशन वाई एक्सिस में कितना है माइनस जी कॉस अल्फा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट एच, ठीक है। तो ये हमें निकालनी, तो ये सारी डेटा यहाँ पे रख दो, तो ये जब डेटा इसमें रख दोगे तो हमें पता चल जाएगा, इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, तो ये हमें पता चल जाएगा, यहाँ सॉल्व कर लो इसको, ये सारी वैल्यूज जो है, ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट अप कर दो, फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी जीरो माइनस इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू माइनस टू जी माइनस टू जी कॉस अल्फा, दैट इज मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो जो मैक्सिमम हाइट एज आ जाएगी वो आ जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा अपॉन टू जी कॉस अल्फा, मतलब जहाँ जी था वहाँ जी कॉस अल्फा आ रहा है, ठीक है। तो ये अब देखो ये वाली जो है वो मैक्सिमम हाइट है। अब एक बात बताओ कि इफ़ अगर इंक्लिनेशन जीरो हो, अल्फा जीरो हो, तो याद करो ऑब्लिक की प्रोजेक्टाइल क्या आ रहा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा अपॉन टू जी के बराबर आ रहा है, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर अल्फा जीरो है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो एंगल ऐसे था ये, वो अगर जीरो हो गया, तो अगर जीरो हो गया तो मैक्सिमम हाइट ये वाली आ जाएगी, क्लियर है। चलो तो अगर मैक्सिमम हाइट आपको पता चल गया, तो अब लास्ट कैलकुलेट करते हैं इसका रेंज, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। थर्ड है रेंज, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि रेंज कितना है। तो रेंज कितना है वो कैलकुलेट करने के लिए देखो रेंज क्या है, अगर यहाँ से प्रोजेक्टाइल, ये यहाँ से प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट हुआ और यहाँ पर फाइनली लैंड किया है, ठीक है, तो जो रेंज है ये वाली जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस, दिस इज द रेंज, दिस इज रेंज, दिस इज आर रेंज, ये वाली। तो रेंज कैसे कैलकुलेट किया जाए, एस इज इक्वल टू यू टी एक्स एक्सिस में लगा दो, एस इज इक्वल टू यू टी एक्स एक्सिस में लगा दो एस इज इक्वल टू यू टी एक्स एक्सिस में, ठीक है, इसको माइंड में रखना, ध्यान में रखना, ठीक है ना। इसको मैं इधर ही करता हूँ, तो एक्स एक्सिस में लगाओ, तो एस इज इक्वल टू यू टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इन एक्स एक्सिस, इसको मैं एक्स एक्सिस में अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस में अप्लाई करूँ तो ये आ गया रेंज, ठीक है, जो कि हमें निकालना है इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में, इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कितनी है बोलो,
तो एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी जो है वो उधर है, यू कॉस बीटा है, और टाइम ऑफ फ्लाइट पहले ही हम लोग निकाल के आए हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग कैलकुलेट करके आए हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2u साइन बीटा अपान जी कॉस अल्फा, याद होना चाहिए, जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद होना चाहिए, 2u साइन बीटा इक्वल टू जी कॉस अल्फा, इसकी वैल्यू डाल दो तो 2u साइन बीटा, 2u साइन बीटा अपन जी कॉस अल्फा माइनस साइन, एक्स एक्सिस में लगा रहा हूँ ना, तो एक्सलेशन एक्स एक्सिस में ये वाली एक्सलेशन है जी कॉस अल्फा जो कि इधर है, तो माइनस हाफ जी कॉस अल्फा, ठीक है, जी कॉस अल्फा, और टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ठीक है, इसको स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे स्क्वायर करके रखोगे तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा अपॉन 2g था ना, 4g स्क्वायर, जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये वाली जो चीज़ है अब इसी को सॉल्व कर लिया जाए, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लिया जाए तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा, ठीक है, रेंज मिल जाएगा। तो यहाँ से कॉमन ले लो, देखो यहाँ से जी, ठीक है, एक जी ने एक जी को और एक कॉस अल्फा ने एक कॉस अल्फा को, ठीक है, तो यहाँ से कॉस अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा था, तो कॉस अल्फा यहाँ से ये यू स्क्वायर इधर दिख रहा है, यू स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो, यू स्क्वायर और जी कॉस अल्फा कॉमन ले लो, तो जी कॉस अल्फा कॉमन ले लिए, ठीक है, तो जी कॉस अल्फा, तो एक्सलेशन एक्स एक्सिस में, एक मिनट प्यारे बच्चों, जो एक्सलेशन है एक्स एक्सिस में, एक्स एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, एक्स एक्सिस में लगाया ना, तो एक्स एक्सिस में जो एक्सलेशन है जी साइन अल्फा है, तो एक्स एक्सिस में जो एक्सलेशन आएगा, ये जी साइन अल्फा आएगा, ठीक है ना, तो ये जी साइन अल्फा आएगा, तो यह आ जाएगा जी साइन अल्फा, ठीक है, तो जी साइन अल्फा मतलब ये इसे कटेगा नहीं और यहाँ आएगा जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, अब सही है, ठीक है, चलो, तो यहाँ से ये अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से यू स्क्वायर जी कॉस अल्फा कॉमन ले लूँ और साइन बीटा कॉमन ले लूँ, ठीक है, साइन बीटा कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पर बचेगा, ठीक है ना, जी कॉस अल्फा नीचे आ गया, यू स्क्वायर इधर आ गया, ठीक है, और टू ने टू को ये टू ने टू को ख़त्म कर दिया, तो टू भी कॉमन ले लो, तो टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये तो यहाँ बचा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा अपन कॉस अल्फा, यहाँ पर बच गया, एक जी ने जी को ख़त्म कर दिया, कैलकुलेट कर लो इसको, अब ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा टू यू स्क्वायर साइन बीटा, ठीक है, अपान जी कॉस अल्फा, ठीक है, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा एंड अगेन डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा, अल्टीमेटली व्हाट वी गेट रिजल्टेंट, तो फाइनली द रेंज विल कम आउट, व्हाट इज दिस कॉस ए, ठीक है, ये कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है ना, ये जो है कॉस ए प्लस बी के फॉर्म में है, याद आ रहा कुछ, इससे इसको कहीं मिले थे कहीं देखे थे इसको,
मैथमेटिकल टूल में देखे थे ना, तो यह जाएगा 2u² साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, जी कॉस स्क्वायर अल्फा, दिस इज द आवर रेंज, ये रेंज है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रेंज क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है और मैक्सिमम हाइट क्या होता है, इसको हमने कैसे कैलकुलेट किया, ठीक है ना।